मित्रों, अगर टट्टों में सूजन हो जाए, जिनको कि संस्कृत में अंडकोश और वृषण बोलते, ये पुरुषों में लिंग इंद्रिय के नीचे होते हैं, अगर इनमें सूजन हो जाए तो उसका मैं सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। ये पहचान ले, ये है पुनर्नवा, जिसको साठी और विषखपरा बोलते हैं। ये बरसात के बाद में अपने आप सड़कों के तरफ हो जाता है, पूरी साल छुपा रहता है, घिस जाता है, जड़ इसकी अंदर रह जाती है, और जैसे ही पानी बरसता है, वर्षा होती है, ये फिर दोबारा हो जाता है। ये सफेद फूल वाला और गुलाबी फूल वाला और एक कासरी फूल वाला भी होता है, वो बड़ा दुर्लभ है, तो कोई सा भी ले लें आप जो मिल जाए। इसके अच्छी तरह से पत्ते देख लें, इस तरह से होते हैं मित्रों। और ये आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। इसके गुलाबी फूल इस तरह से होते हैं, और एक दूसरा पेड़ दिखा देता हूं जिस पर सफेद फूल आते हैं। ये सफेद फूल वाला है पुनर्नवा। मित्रों, पुनर्नवा का बॉटेनिकल नाम है बोरहाविया डिफ्यूसा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं मित्रों, जिनके अंडकोश, जिनके वृषण, जिनके टट्टे सूजन हो गई हो टट्टों में, और इसको टट्टों को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकल, और टेस्टिस। तो अगर सूजन हो गई हो तो मैं अब इसकी जड़ दिखाता हूं उसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, ये है पुनर्वा की जड़, विषखपरा की जड़ है, और ये बरसात के मौसम में आसानी से निकल आती हैं, लगभग 1 फुट से 1.5 फुट तक की गहराई, लंबी लंबी जड़ें होती हैं मित्रों इसकी, बड़ी कठिनाई से निकलती है, फावड़े लेके जाना तब निकलेगी। तो चाहे तो सूखी दुकान से खरीद लें, या आप अपने आप स्वयं निकाल लें, निकाल के उसको धोके और उसको पानी के साथ में सिलबट्टे पर, ऐसे सिलबट्टे पर घिसें जिस पे कोई चीज ना पीसी गई हो, क्योंकि जहां पर आपको लेप करना है वो है टट्टों की जगह है, और टट्टों पे अगर थोड़ी मिर्ची लग जाती है तो कितना दर्द होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ऐसा सिलबट्टा लें जिस पे कोई मसाला ना पिसा हो, नमक मिर्च ना पिसी हो, नया एकदम ले लें। तो इनको एक मूल ले लें, एक जड़, और उसको पानी लगा के घिसें, जो पेस्ट बनेगा उस पेस्ट को दिन में या रात में सोते वक्त लगा के एक बेल्ट बांध ले, जिससे कि निकले नहीं। मित्रों, इस तरह से कुछ एक दिन करेंगे तो जिनके टट्टों में सूजन हो गई है और लटक गए हैं, वो अपनी पहली अवस्था में आ जाएंगे। तो मैंने सीधा साधा सरल उपाय बताया है मित्रों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।